हेलो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए कैसे हम एक कैलेंडर का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं टेबल फंक्शन की हेल्प से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हम टेबल कमांड का यूज करके एक कैलेंडर का डिजाइन क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर टेबल फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है हमें 7 कॉलम चाहिए और रो हमें कितनी चाहिए, हमें जैसे कि 6 रो चाहिए। ओके कर देंगे, देखिए हमारी इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर फोंट का साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे जिससे कि हमारा कैलेंडर जो है अट्रैक्टिव लगने लगे। इसके बाद हम बोल्ड फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपका ये दिखाया है शेड्स, इन शेड्स को हम किसी भी एक शेड्स कलर को ले लेंगे। इसे हमने ये लिया है। इसके बाद हम यहाँ से फिल का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसे हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कैसे आ रहा है। ये ऐसे आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फोंट का भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब हमें इसको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना, फोंट का साइज हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से हम सेंटर वाला अलाइनमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब हमें डिजाइन टैब में यहाँ पर जाना है, टेबल डिजाइंस में। इसके बाद हमें बॉर्डर लेंगे, बॉर्डर शेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हम शेड का कलर चाहते हैं वो शेड का कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, या हम शेड का कलर वहाँ आगे से भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का किसी भी कलर को ले सकते हैं, जिससे मैंने यहाँ पर ये कलर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर हम ऑल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम जो ये कलर है आउटलाइन का, उस कलर को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर लिया, और भी कोई कलर आप लेना चाहते हो वो कलर यहाँ से ले लेंगे। विथ यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। विथ से ये देखिए इस तरीके का हमारा ये किट बन गया है। अब देखिए अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसको हमें और भी अगर चेंजेस करनी हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमें शेडिंग का कलर हमें पसंद नहीं है तो हम शेडिंग का कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने चेंज कर दिया, ये देखिए राइट, ये हमारा चेंज हो गया है। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट वाली रो है, इस रो को हम सेलेक्ट करेंगे और लेआउट टैब में जाके मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मर्ज सेल पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर हम जून मंथ का जैसे कैलेंडर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जून 2023, ठीक है। जून को ही हमने कैलेंडर को बना रहे हैं। इसके बाद जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग जैसे जून के यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, डेज लिखेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या काम करना है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे हमारा जून के मंथ में फर्स्ट डेट थी, यहाँ पर किस डेट को थी, ये हमारी थर्सडे में थी। बस टैब की को आपको प्रेस करना है, आगे आपको काउंटिंग को लिखते जाना है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से ये कैलेंडर आपका बन के तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, ठीक है। बस आपको काउंटिंग लिखते जाना है, कितना सिंपल मेथड है आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ गलती भी हो जाए तो उसको आप इरेज करके ठीक कर सकते हो, ठीक है। 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है। ये देखिए ये हमारी जून की डेट होगी। अब थोड़ा सा हम जो इसकी जो स्टार्टिंग का ही कलर है, स्टार्टिंग वाली लाइन का, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम टेबल यहाँ पर डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग्स में जाएंगे। सिर्फ इसी सेल पे मैंने कर्सर रखा है क्योंकि मेरे को ना सिर्फ इसी का कलर को चेंज करना है। कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जो हम ये लिख रहे हैं, इसका कलर मैंने जैसे क्या कर दिया, यहाँ से होम टैब की मदद से वाइट कर दिया है, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर ये देखिए और अट्रैक्टिव लगने लग गया। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तब हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और सिंबल्स में जाएंगे। ये देखिए मोर सिंबल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वेब बेस, ठीक है। डब्लू प्रेस कर देना यहाँ पर, देखिए जब आप डब्लू प्रेस करेंगे ये देखिए वेबडिंग्स का यहाँ पर आ जाएगा, फॉन्ट का स्टाइल्स हमारा यहाँ से ही देखिए वेबडिंग्स वाला आ गया है। अब ये देखिए इसमें से कोई भी एक अच्छा सा डिजाइन आप यहाँ पर ले सकते हो, इतना सा डिजाइन ये यहाँ पर शो करेगा, जो भी आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टार ले लिया,
इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, दो इंसर्ट स्टार मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, ठीक है, दो हो गए। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए जो हमारा डिजाइन था कैलेंडर का, वो देखिए अट्रैक्टिव लगने लग गया है। बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने ये कैलेंडर का डिजाइन बनाया। चाहे तो जो हमारी ये वाली जो है उसके कलर अपने हिसाब से और भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हम लगाना चाहते हैं। सिंपल आप फोन में फोन कलर फंक्शंस का यूज करके, आपने देखा कोई हमने इसमें ज़्यादा यूज फंक्शंस नहीं किए, सिंपल टेबल कमांड्स का ही यूज किया, टेबल्स के ही फंक्शंस का लिंक के लिए आपने यूज किया है, और एक कैलेंडर का डिजाइन हमारे पास इजीली क्रिएट हो गया है। और इसके बाद अगर हमें दूसरे मंथ का कैलेंडर बनाना जैसे ये है, तो हमें पूरी सेटिंग्स ना करनी पड़े, वो भी हम इसी वीडियो में सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो डिजाइंस है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए, टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पर क्विक टेबल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेव सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन से यहाँ पर किसी भी नाम से हमने सेव कर दिया, जैसे मैंने इसको मंथ के नाम से सेव कर दिया है, है टेबल्स में सेव है क्योंकि हमारी ये टेबल्स है, ओके कर दिया। अब ये डिजाइन हमारा सेव हो गया। अब मैं न्यू पे क्लिक कर रही हूँ, अगेन मैं टेबल पे जाएंगे, हम यहाँ पर टेबल फंक्शंस पे जाएंगे, क्विक टेबल्स में, यहाँ पर जब आप डाउन में आओगे तो हमारा जो कैलेंडर्स है हमने बनाया था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए जून मंथ का हो गया। अब जैसे हमें जुलाई का चाहिए, तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जुलाई लिख देंगे, ठीक है, जुलाई लिख दिया। अब ये देखो जो हमारी डे है बिल्कुल ऐसी रहेगा। अब जैसे ये जो हमारा ये 30 है, जो हमारा जो डे स्टार्ट होगा वो किससे होगा, सैटरडे से होगा। तब हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी टेबल्स हैं कंप्लीट को सिलेक्ट करके, ये देखिए सिलेक्ट किया है, डिलीट कर दिया, डिलीट की प्रेस करके। अब काउंटिंग हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए बस हमें कुछ नहीं करना, काउंटिंग ही लिखनी है, ये देखिए बस एक ही मंथ के लिए आपको डिजाइन की सेटिंग करनी है, बाकी के मंथ अगर हमें बढ़ाने हैं तो हमें पूरी सेटिंग्स नहीं करनी है। यहाँ पर सिंपल आप उसको में क्विक फॉर्मेट में सेव कर दीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे वहाँ पर, ये देखिए 29 और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 30 और 31, ठीक है। ये देखिए हमारे जुलाई मंथ का बन गया, क्योंकि हमने क्विक फॉर्मेट में इसको सेव कर रखा है। तो अगेन जैसे हम यहाँ पर न्यू करते हैं और यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, क्विक टेबल्स में हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें अगेन यहाँ पर हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये देखिए हमें मिल गया डिजाइन हमारा। अब जैसे हमें अगस्त का बनाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगस्त ले लेंगे, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, कंप्लीट भी लिख सकते हो, ठीक है, अगस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा साइज अगर इंक्रीज लग रहा है तो आप साइज को थोड़ा सा यहाँ पर स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, साइज को छोटा कर देंगे तो अपना आप ही सेट हो जाएगा। अब जो अगर हम जुलाई वाले में देख लेते हैं, जो हमारा मंडे को आया था यहाँ पर लास्ट, तो अब ये क्या हो गया, ट्यूजडे से स्टार्ट होगा, है ना, ट्यूजडे से हमारा वन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट की को प्रेस कर देंगे, ट्यूजडे से हम स्टार्ट करना है, काउंटिंग हम ट्यूजडे से लिख देंगे, ये देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से हमारी लिख रहे हैं। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कैलेंडर का डिजाइन इजीली बना सकते हैं। ये देखिए आपने देखा हमने कैलेंडर का डिजाइन इजीली बनाया, ये देखिए यहाँ पे इसका है, ये देखिए हमारे जून का कैलेंडर बनके तैयार है, अगस्त का भी, और जो आपके तीनों मंथ है तीनों के यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये जुलाई के और ये अगस्त की, ठीक है। कलरिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो इजीली। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल फंक्शंस का यूज करके एक कैलेंडर का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।